काफी कॉन्टेजियस होती है, मतलब बहुत तेज से फैलती है और बहुत जल्दी एक दूसरे लोगों के संपर्क में आना सकती है, तेज से फैलती है। और दूसरा ये है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वायरस जो डिजीज है उनका ज्यादातर कोई इलाज नहीं है, अनट्रीटेबल डिजीज है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रिकॉशंस, ठीक है। आप सबसे पहले इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डिजीज है किसी को, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हाई ग्रेड फीवर, बेसिकली हाई ग्रेड फीवर है, और किसी को ड्राई इरिटेटिंग कफ है काफी लंबे समय से, ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि आदमी किसी ऐसी जगह से ट्रेवल करके आया है जहाँ ये डिजीज हो रही है, या किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टेक्ट में आया है जिसकी ये डिजीज है, ठीक है। तो आपको यदि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो यदि आपको हो और आपको इस तरह के सिम्टम हो तो आपको जाकर के डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर साहब आपको फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट एक ही टेस्ट होता है, आपके थ्रोट का स्वाब लिया जाता है, गले के अंदर से कॉटन से स्वाब जयपुर भेज देते हैं, उसकी जाँच होती है, उससे पता लगता है कि आपको कोरोना वायरस डिजीज है या नहीं है। जब तक यदि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपको घर भेज दिया जाता है, लेकिन जब तक आप सस्पेक्टेड है आपको इसको स्प्रेड होने से रोकना है। इसमें कुछ प्रिकॉशंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो जो हेल्थी पर्सन है उनके अपने प्रिकॉशंस होते हैं, उसमें तो यही है कि आप फ्रिक्वेंट वॉश करें, क्योंकि इसकी जो मास्क का इस्तेमाल करें आप कहीं भीड़ भाड़ी वाली जगह पर जा रहे हैं एक्सर मिलने के लिए जा रहे हैं। तो दूसरा, आप कुछ खा करके जाए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपको कोई भी डिजीज कोरोना ही नहीं कोई दूसरी डिजीज भी आपको अटैक नहीं करेगी और आपको इस तरह की बीमारी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है डॉक्टर्स को, वो तो सब मरीजों से मिलते हैं चाहे कोरोना स्वाइन फ्लू या कोई ऐसा हो, तो उनको भी यही सलाह देते हैं जैसे हम लोगों को भी देते हैं कि आप हमेशा कुछ ना कुछ खा करके रहो ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। दूसरा, यदि कभी किसी जो सोशल गैदरिंग्स है उनको इस समय जहाँ पे एपिडेमिक हो रहा हो तो आप उसको अवॉइड करें सोशल गैदरिंग्स को। और जैसा सर ने बताया कि इस तरीके जो भी यहाँ पे असेंबली होती है उसको बंद करना है थोड़े टाइम के लिए, और जो भी प्रिकॉशंस इसमें लिखे हुए सारे वो बहुत ही अच्छी तरह से लीफ लेट लगाए हुए हैं, और उसमें उसको फॉलो करें, नमस्ते करें हैंडशेक की जगह, और साबुन से सिंपल आप साबुन और पानी से हाथ धो सकते हैं, आपको सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है। सैनिटाइजर तो आप जहाँ पानी में साबुन नहीं है वहाँ पे इस्तेमाल के लिए लेके जा सकते हैं, और मास्क जनरली जरूरत नहीं कि आप N95 मास्क लगाएं, आप नॉर्मल मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हो, या सिंपल आप कपड़े का बना हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी आपको किसी हद तक बचाएगा। और जैसा सर ने बोला है कि 22-23 डिग्री पर वो वायरस संपर्क में आते हैं और खत्म हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है यहाँ का, तो राजस्थान में ऐसे डिजीज आने की पॉसिबिलिटी कम है। आपने देखा होगा कि जो 17 आए वो भी बाहर से आए, इसलिए वो इटली से आए, इसलिए हो गया, अदरवाइज यहाँ कोई पेशेंट नहीं था, तब उनको भी क्वारंटीन में डाल दिया, तो आशा है कि ये छूट जाएगा।